आज हमारे पास है 2013 मर्सिडीज एस क्लास। ये मोहिदन राजा कार्डिन्स के पास एक लेटेस्ट एडिशन है और मजे की बात यह है कि इस कार के सारे कंपेटिटर्स मोहिदन राजा कार्डिन्स के पास अवेलेबल हैं, जैसे कि जैगुआर XJL, BMW 7 सीरीज, Audi 8। तो जैसे कि हमने इस चैनल पे BMW एंड जैगुआर का रिव्यू कर रखा है, तो आज हम करेंगे इसके थर्ड कंपेटिटर मर्सिडीज एस क्लास का रिव्यू। अब रिव्यू को शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं इस कार का एक ओवरव्यू, और वो भी एक बायस पर्सपेक्टिव से। तो बायस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस, एंड देन कार की कंडीशन क्या है। अब कंडीशन तो आपको रिव्यू के अंदर पता चली जाएगी, तो हम उसको रहने देते हैं, लेकिन बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस की बात करने के लिए हम बुलाएंगे मोहितन राजा कार डील्स के ओनर की, एंड दैट इज राजा नरूला सर को। सो प्लीज वेलकम हिम। गुड आफ्टरनून सर। सो हमने अपने व्यूअर्स को भी ये बताया कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं S350 का, वो भी 2013 मॉडल। तो अभी हम बात करना चाहते हैं इस कार की प्राइस की, तब हम रिव्यू शुरू करेंगे। तो आप प्लीज बता दीजिए इस कार का प्राइस क्या है। प्राइस का ऐसा बता, जो हम एक्सपेक्टेशन है हमारी वो अराउंड 28 लाख है। 28 लाख फॉर अ मर्सिडीज एस क्लास। एंड अभी मेरे से लिख के ले लो ये चीज, इस कार का जो कंडीशन है ना बहुत अच्छी है। रिव्यू में आपको पता ही चलने वाला है, लेकिन इस कार की कंडीशन सच्ची में बहुत अच्छी है। सर सीरियसली, आपको ये कार कहाँ से मिली मेरे को प्लीज बताना, ये बहुत अच्छी कार है। तो अब हम बात करते हैं कुछ सर्विसेज की जो मोहितन राजा कार डील्स पे आपको अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कार लेने के बाद भी आपको उस कार को मेंटेन भी करना होता है। तो मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज सर्विसिंग कार की, वो मोहितन राजा कार डील्स पे मिलती है। एंड देन आपको इंश्योरेंस सर्विसेज जो होती है वो भी मिलती है। अगर आपको कार लेने में लोन सर्विसेज चाहिए तो वो भी मोहितन राजा कार डील्स आपको प्रोवाइड करती है। एंड सबसे बड़ी बात है ट्रांसफरशिप की, अगर आपको ये कार कहीं पर भी ट्रांसफर करवानी है तो मोहितन राजा कार डील्स आपको हैसल फ्री वो चीज़ करवा देंगे। यानी कि कार लेने में तो आपसे पीस ऑफ माइंड है, और कार लेने के बाद भी कंप्लीट पीस ऑफ माइंड रहने वाला है। तो सीरियसली गाइस, 28 लाख रुपीज में एक मर्सिडीज एस क्लास मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है। बट एनीवेज, अब करते हैं कार का रिव्यू शुरू, ताकि आपको पता चल सके इस कार के अंदर फीचर्स, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी कैसी सी है। लग्जरी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके पास एक बोल्ड एंड टेकी फ्रंट एंड हो, एंड मर्सिडीज भी इसी बात को मानती है। मर्सिडीज एस क्लास की लुक काफ़ी सिंपल एंड क्लीन है, जो कि आजकल की मर्सिडीज एस क्लास में भी काफ़ी प्रेवलेंट है। अगर हम बात करें इस कार के हेडलैम्प्स की, तो हमारे पास डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, और उसके ठीक नीचे ही हमारे पास DRL स्ट्रिप दी गई है जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करती है, और कार के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास स्टैंडिंग लैंप्स भी हैं। अगर हम इस कार के ग्रिल की बात करें तो यही ग्रिल हमको पुरानी मर्सिडीज़ के मॉडल्स में भी देखने को मिलती थी। ग्रिल के ऊपर ही हमारे पास एक मर्सिडीज़ का लोगो भी है, और साथ ही इसके हुड पे हमारे पास एक मर्सिडीज़ का ऑर्नामेंट भी है। साइड प्रोफाइल में जो एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इस कार का कि ये कौन सी मर्सिडीज़ है, वो है इस कार की लेंथ। ये बहुत लंबी कार है, एंड इस कार की लेंथ इसके कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से फिट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इसके व्हील्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 18 इंचेस 10 स्पोक बहुत सुंदर लगने वाले अलॉय व्हील्स हैं। वंस अगेन काफ़ी सिंपल है, तो इस कार की सिंपलिसिटी के साथ बहुत अच्छे से मैच करते हैं। बाकी हमें हर जगह इस कार में क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं, जैसे कि विंडोज पे एंड डोर हैंडल्स पे एंड डोर्स के नीचे। वो एक क्लीन लुक एंड सिंपलिसिटी रियर में भी कंटिन्यू कही गई है मर्सिडीज की। हमारे पास यहाँ पे S350 की बैजिंग, मर्सिडीज का लोगो एंड CDI की बैजिंग है। अगर हम टेल लाइट्स की बात करें इस कार में, तो हमारे पास एस क्लास की स्पेशल टेल लाइट्स हैं। 2013 में ये टेल लाइट्स किसी और मर्सिडीज में नहीं आती थी, सिर्फ एस क्लास के लिए बनाई जाती थी। हमारे पास इस कार में डुअल एग्जॉस्ट सेटअप है जो कि क्रोम फिनिश्ड है, और हमारे पास एक क्रोम बार दी गई है जो कि ट्रंक के थ्रू जाती है। वंस अगेन बहुत सुंदर लगते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की, और मैं सबसे पहले फीचर्स की शुरुआत करना चाहूंगा ड्राइवर साइड पे। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील है। ऑब्वियसली एक एस क्लास के अंदर हमारे पास एक मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली होगा। वॉल्यूम ऊपर नीचे करनी, कॉल कट करनी, कॉल इंगेज करनी, म्यूट करना, देन हमारे पास वॉइस असिस्टेंट, लेकिन AI बेस्ड नहीं है तो जो स्क्रीन पे आप सिर्फ वही बोल सकते हैं। देन सेंटर गेज डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए बटन दे रखे हैं, एंड बटन है। एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास, क्योंकि एक मर्सिडीज है ऑब्वियसली एक एस क्लास है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड गियरिंग कंट्रोल्स हैं जो कि एक कार को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑपुलेंस देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे, मेरे एक तरह से एक फेवरेट फीचर है मर्सिडीज कार में, और वो है गियर सेलेक्टर, आपका कॉलम माउंटेड होना। देन इस कार के अंदर हमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो आपको जस्ट कार को मैनुअल मोड में डालना है और आप इसको पैडल शिफ्टर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक चीज कार में है इसमें, जो ये है कि जो आपका टैकोमीटर है
वो आपको इस कार में उल्टा दे रखा है, यानी कि यूजुअली कार्स में जीरो नीचे दिया होता है और जो भी आरपीएम होती है हायर आरपीएम ऊपर दी होती है, लेकिन इस कार में ऊपर जीरो दे रखा है और आरपीएम नीचे दे रखी है, यानी कि जो आपका टैकोमीटर है वो उल्टा है। अब ऑब्वियसली इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक नोटेबल वर्थ चीज है। अब बात करते हैं सेंटर गेज डिस्प्ले की, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ओडोमीटर है तो वो काफ़ी नॉर्मल है। देन हमारे पास नेविगेशन आ जाता है, देन ऑडियो, क्योंकि यहाँ पर चेंजर एम्प्टिंग लिखा आ रहा है, मतलब कि इस कार का जो सीडी चेंजर है वो अभी खाली है, आप उसके अंदर सीडी चेंजर्स के अंदर सीडी डालकर उसको ऑन कर सकते हैं। देन आप म्यूज़िक सुन सकते हैं अपने कार के अंदर, ऑब्वियसली आप इसके अंदर चेंज करके FM AM भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन हम आते हैं टेलीफोन के अंदर, आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत स्टैंडर्ड फीचर है। देन आते हैं हम असिस्टेंस के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो आप उसके हिसाब से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है अटेंशन असिस्ट, यानी कि जब आप किसी भी लॉन्ग रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं तो कार जानबूझकर आपसे क्वेश्चंस पूछती रहती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोल देगी प्लीज प्रेस ओके टू प्रूव दैट यू आर अटेंटिव, देन यू हैव टू प्रेस ओके ओवर हेयर, ताकि आप गाड़ी को बता सके येस आप अटेंटिव और आपको नींद नहीं आ रही। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सर्विसिंग के अंदर, तो सबसे पहले तो आपका आता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑब्वियसली एक एस क्लास है, स्टैंडर्ड फीचर। देन आता है हमारे पास असिस्ट प्लस, जिसके अंदर हमारे पास बताता है कि नेक्स्ट सर्विस 64 डेज के अंदर है, तो यानी कि आपको सर्विसिंग की पूरी जानकारी रहती है। देन हम आते हैं सेटिंग्स के अंदर, जहां पर आते हैं मेन फीचर्स, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट्स, अगर आपको उसको ऑन ऑफ करना है या नहीं, इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, डिप्ड हेडलैम्प्स एंड देन मेन बीम असिस्ट, यानी कि इस कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग के एस्पेक्ट में आपको तीन डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कि मर्सिडीज है तो ऑब्वियसली लाइटिंग रिलेटेड आपको बहुत फीचर्स मिलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सेफ कार है। देन हम आते हैं नीचे स्पीडट्रॉनिक के अंदर, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास विंटर टायर्स हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, देन आपकी जो स्पीड है वो लिमिट हो जाती है, तो विंटर टायर्स के ऊपर आप ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते। मान लीजिए वो स्पीड लिमिट 100 की है, तो विंटर टायर्स के ऊपर जैसे आप इसको ऑन करेंगे विंटर टायर्स के ऊपर 100 से ज़्यादा आपकी कार चलेगी ही नहीं। देन हम आते हैं नीचे ऑक्सिलरी स्पीडोमीटर, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटा सा जीरो लिखा हुआ है, हमारे पास एक एनालॉग होने के बावजूद भी हमारे पास यहाँ पर एक डिजिटल स्पीडोमीटर है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो गायब हो जाता है, जैसे मैं उसको ऑन करता हूँ वो वापस आ जाता है। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप रख सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा भी सकते हैं। देन हम आते हैं नीचे जहाँ पर आता है यूनिट्स, अगर आपको माइल्स पर आवर या किलोमीटर्स पर आवर में करना है तो आप उसको कर सकते हैं। आते हैं नीचे तो बेल्ट एडजस्टमेंट, ये काफ़ी अच्छा फीचर है, क्योंकि बेल्ट एडजस्टमेंट आपको जैसे आप गाड़ी के अंदर बेल्ट लगाते हैं एक बेल्ट अपने आप टाइट हो जाते हैं ताकि आप सीट के अंदर ग्रिप हो जाए। एक बार खुद से देखिए कितना ज़्यादा अच्छा फीचर है ये। एंड देन नेक्स्ट अप हमारे पास आता है एकूस्टिक लॉक फीडबैक, यानी कि जैसे आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो गाड़ी के अंदर से एक हॉर्न की आवाज़ आती है, अगर आपको उसको ऑफ करना है तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये तो था इस डिस्प्ले के बारे में, अब करते हैं मेन यानी कि इस डिस्प्ले के बारे में। तो अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की, तो इस डिस्प्ले के अंदर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और ऑब्वियसली टेलीफोन नेविगेशन जैसे कुछ फीचर्स स्टैंडर्ड ही हैं, तो हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, हम जाएंगे डायरेक्टली व्हीकल सेटिंग्स के अंदर। और व्हीकल सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एक लिस्ट आती है फीचर्स की, तो पहले तो आप वो लिस्ट देखो उसके अंदर आता क्या क्या है। तो अगर आप देखें जैसे ही हमारे पास वो लिस्ट खत्म होती है, जिस डायल से मैं उसको कंट्रोल कर रहा था वो डायल भी अब घूम भी नहीं रही है, यानी कि जैसे ही लिस्ट खत्म हुई वो डायल घूमना बंद कर दिया, और जैसे ही लिस्ट चल रही थी तब मैं उस डायल को ऑब्वियसली रोटेट कर रहा था तभी मैं लिस्ट में आगे जा पा रहा था। इस कार के अंदर अगर मैं किसी भी लिस्ट को ओपन करता हूँ जब तक तो वो लिस्ट चल रही है तब तक तो वो डायल है वो रोटेट होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट खत्म होती है या मैं किसी भी लिस्ट के एंड तक पहुंचता हूँ वो डायल भी रोटेट होने से बंद हो जाती है, मेरे को बताते हुए कि अब लिस्ट के आगे कुछ और नहीं है तो मैं और आगे नहीं जा सकता। ये फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक तरह की फीडबैक है उस छोटी सी डायल के थ्रू ही, जो कि मेरे हिसाब से बहुत माइंड ब्लोइंग है। लेकिन हम बात करें अगर उसी व्हीकल सेटिंग्स की, अगर हम लिस्ट में वापस जाएं तो सबसे पहला आपने देखा होगा उसके अंदर है टो अवे प्रोटेक्शन। तो टो अवे प्रोटेक्शन है क्या चीज़, अगर आपने उसको एक्टिवेट कर दिया तो अगर आपकी गाड़ी कोई टो करके लेके जाना चाहता है तो गाड़ी के अंदर अलार्म बज जाएगा आपको बताते हुए कि आपकी गाड़ी कहीं अनवांटेडली जा रही है, तो ये एक फीचर बहुत अच्छा है। दूसरा जो है वो है इंटीरियर मोशन सेंसिंग का। तो इंटीरियर मोशन सेंसिंग एक्चुअली करता क्या है कि वो आपकी कैबिन के अंदर, गाड़ी के कैबिन के अंदर एक मोशन सेंसिंग ऑन कर देता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने पेट को कहीं लेके गए हैं या फिर आप अपने बच्चे को साथ में कहीं लेके गए हैं और वो बच्चा गाड़ी के अंदर ही है और आप कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर आप अपने पेट को भूल जाते हैं गाड़ी के अंदर, तो जैसे ही गाड़ी के अंदर कोई मोशन होगा अगर वो पेट इधर उधर हिलेगा
तो आपकी गाड़ी वहीं पर अलार्म बजाने लग जाएगी आपको बताते हुए कि आपके गाड़ी के अंदर कोई चीज आपने छोड़ दी है या आपकी गाड़ी के अंदर कोई चीज हिल रही है, आप उसको चेक करें। तो ये वंस अगेन एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इजी एंट्री एंड एग्जिट। जैसे आप गाड़ी को ऑफ करते हैं तो आपका स्टीयरिंग व्हील ऊपर हो जाएगा और आपकी सीट नीचे हो जाएगी ताकि आप गाड़ी से बहुत आराम से बाहर निकल सकते हैं। और जैसे ही आप गाड़ी को अंदर वापस बैठेंगे और आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा और जो सीट है वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहां पर आपने पहले उसको सेट किया था ताकि आप अपनी मर्सिडीज एस क्लास में आगे बढ़ सके। अगर बात करते हैं इस गाड़ी में रियर सीट एंटरटेनमेंट की, तो ऑब्वियसली एक एस क्लास है, इस रियर सीट में एंटरटेनमेंट है। बट क्योंकि हर कार मैन्युफैक्चरर की तरह इसके अंदर भी ऑडियो वीडियो फीचर्स ही हैं, जैसे कि आपको कौन सी गाने सुनने हैं, कौन सी मूवी देखनी है, कौन सी डीवीडी चलानी है, वो सब फीचर्स। लेकिन ओवरऑल रियर सीट एंटरटेनमेंट एक बहुत अच्छा फीचर है एंड इस कार में है ही। एंड ऊपर से इस कार के अंदर हमें एक दे रखा है रिमोट इस सब को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि ये, तो आप उसको रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं गाड़ी के बाहर एक फीचर की जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड वो है सॉफ्ट क्लोज डोर्स का। लेकिन इस कार में जो सॉफ्ट क्लोज डोर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अब आपने वो लोग देखे होंगे जो दरवाजे को बहुत जोर की मारते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी दिन शीशा ही ना टूट जाए, लेकिन इस कार में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप दरवाजा खोलते हैं, नो मैटर कितने हार्ड आप दरवाजे बंद करें, जब तक गाड़ी के पैनल तक गाड़ी दरवाजा टच नहीं होता तब तक तो आपका प्रेशर काम करता है। लेकिन जैसे ही आप दरवाजे को बंद करते हैं, इस हमेशा जो मोटर होती है वही दरवाजे को बंद करती है, यानी कि चाहे आप दरवाजे को जितनी भी जोर की मार लें, जो दरवाजा बॉडी को एक्चुअली टच करेगा वो मोटर्स के थ्रू धीरे ही करेगा, इसलिए आपके दरवाजे उस मामले में बचे रहेंगे। एंड अब जैसे ही हम बाहर हैं तो एक और फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है डोर स्टेबिलिटी का। अब नॉर्मल गाड़ियों के अंदर डोर लॉक्स होते हैं, यानी कि दो स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहां पर आपका दरवाजा स्टेबल रहने वाला है, लेकिन एस क्लास का नहीं। आपने अगर आपको दरवाजा यहां रखना है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दरवाजा यहां रखना है कोई दिक्कत नहीं है, दरवाजा यहीं पर स्टेबल रहने वाला है। अब अगर मैं उंगली से प्रेशर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली दरवाजा थोड़ा बहुत हिलता है, वॉबल अराउंड होता है, लेकिन एक्चुअली बंद नहीं होगा। बंद करने के लिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत है। अब हम प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत ग्लव बॉक्स से करेंगे इस कार में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार का ग्लव बॉक्स काफ़ी लार्ज है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। हमारे पास यहाँ पे दो पेन होल्डर्स हैं और मल्टीपल कार्ड स्लॉट्स हैं। ऊपर की तरफ हमारे पास एक मीडिया पोर्ट है इस कार में और एक रिमोट है जिससे कि हम एंटरटेनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। और उस तरफ हमारे पास एक लाइट मॉड्यूल है, एक एसी मॉड्यूल है और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है और एक यूएसबी पोर्ट भी है। अब हम चलते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। यहाँ पे हमारे पास एक कवर्ड सीडी चेंजर है। इसका खुलने का तरीका बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले बाहर आता है और फिर नीचे जाता है। सीडी चेंजर के नीचे हमारे पास एक दो कवर्ड कप होल्डर्स भी हैं और उनके ठीक ऊपर ही हमारे पास एक कवर्ड ऐश ट्रे भी है सिगरेट लाइटर के साथ। एक बात जो मुझे कप होल्डर्स की अच्छी लगती है वो ये है कि ये निकल भी सकते हैं और हमारे पास एक स्टोरेज का भी आ जाती है। अब हम बात करते हैं इस कार की आर्मरेस्ट के बारे में, जो कि एक सेंटर कंसोल स्टोरेज भी है। बट जो एक यूनिक फीचर है इस कार में वो है कि हम इस आर्मरेस्ट को दोनों तरफ से खोल सकते हैं, जैसे कि इस तरफ से एंड ड्राइवर साइड की तरफ से भी। ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है कि आप इसको दोनों तरफ से खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज स्पेस की। जैसे कि आप देख सकते हैं एक मॉडरेटली डीप स्टोरेज का भी है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इस कार के सीलिंग पे आपके पास एक सनग्लास होल्डर भी है। पैसेंजर साइड के फुटवेयर एरिया पे आपके पास एक सीट नेट भी है। दोनों ही पैसेंजर और ड्राइवर साइड सीट की तरफ आपके पास एक कवर्ड स्टोरेज का भी है, जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात रियर सीट्स में करें तो हमारे पास यहाँ पे सीट पॉकेट्स हैं पैसेंजर और ड्राइवर साइड सीट के लिए। रियर डोर्स में हमारे पास ऐश ट्रे भी है और इस कार की मिडिल सीट एक सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट भी बन सकती है, जिसको खोल के हमें एक स्टोरेज का भी मिलती है जहाँ पे आप काफ़ी सामान रख सकते हैं। आर्मरेस्ट के बिल्कुल आगे ही हमारे पास दो रिट्रैक्टेबल कप होल्डर्स भी हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इसका ट्रंक। पहले हम बात करेंगे ट्रंक को खोलने की। हमारे पास तीन तरीके हैं इसको खोलने के, पहला की फॉब पे, सेकेंड ड्राइवर डोर पे विंडो कंट्रोल्स के पास, और तीसरा जो रिक्वेस्ट सेंसर दिया होता है ट्रंक के नीचे। अगर हम एक्चुअल ट्रंक स्पेस की बात करें तो इस कार के साइज़ को और लेंथ को देखने के हिसाब से इसका ट्रंक इतना लंबा नहीं है, बट एट द सेम टाइम छोटा भी नहीं है। और उसका रीज़न है इस कार का बहुत ज़्यादा लेग रूम, जो कि आप कंफर्ट वाले पार्ट में देखेंगे। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास ऊपर एक हुक है और दो नेट्स हैं ताकि हम कुछ भी वहाँ पर रख सकें।
एंड अब बात करते हैं कंफर्ट की, एस क्लास के बिगेस्ट फैक्टर की। इतनी ज्यादा सॉफ्ट, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल, इतनी ज्यादा प्लश लेदर सीट्स मैंने जिंदगी में किसी कार के अंदर नहीं देखी। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। गोइंग इन अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन दिस कार इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम। एंड आपके पास ऑब्वियसली एक फ्रंट सीट है, तो आप सीट को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं, बैक रेस्ट को बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं इस कार के अंदर, हेड रेस्ट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और क्योंकि एक मर्सिडीज है तो हर एक ऑप्शन आपको यहां पर दे रखा है। बट अगर आपको लंबा सपोर्ट चूज करनी है तो लंबा सपोर्ट के लिए आपको यहां पर मूव करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्क्रीन के अंदर आपको पूरे कंट्रोल्स मिलते हैं और आप स्क्रीन के थ्रू लंबर सपोर्ट भी अपना चेक कर सकते हैं इस कार के अंदर। तो मेरे हिसाब से बहुत कंफर्टेबल कार है। अब चलते हैं रियर सीट्स में, जो कि इस कार की बेस्ट सीट्स मानी जाती हैं। आपने जस्ट देखा कि मैं अभी आगे वाली सीट में बैठा हुआ था, एंड अगर मैं अब रियर सीट में आऊँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास लिटरली बहुत ज़्यादा लेग रूम है इस कार में। अगर मैं हेड रूम की बात करूँ तो वो भी 3 या 4 इंचेस का है। तो गाड़ी के स्पेशियस होने के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेशियस कार है, इसलिए कोई टेंशन लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं है इस क्लास के अंदर। बट अगर हम बात करें इस कार के रिक्लाइनर होने की, तो ऑब्वियसली रिक्लाइनर सीट्स आपको मिलती हैं क्योंकि एस क्लास है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं रिक्लाइन करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बट अगर मैं देखूँ रिक्लाइन करने के बाद मेरा जो लेग रूम है वो कम हो चुका है। ऑब्वियसली इतना भी कम नहीं है, लेकिन अगर आपको और लेग रूम चाहिए तो बस आप ये बटन दबाएं एंड देन आप आगे वाली सीट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट। बट आप सिर्फ इसी सीट से ये वाली कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये पैसेंजर साइड सीट है। ऑब्वियसली आप ड्राइवर को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइवर के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है वो। लेकिन ये सिर्फ ये चीज़ नहीं है, अगर आपके पास सन ब्लाइंड भी है इस कार में, सन ब्लाइंड भी आप हटा सकते हैं इस ऑटोमेटिक कंट्रोल के थ्रू, और आप वापस भी ला सकते हैं अगर आपको चाहिए। एंड बड़ी बात यह है, अगर मान लीजिए आपको सन दूसरी तरीके से आ रहा है तो आप इसी सीट से वहाँ का सनलाइट भी इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। आई मीन हाउ ऑसम इज़ दैट। देन आपके पास इस कार में ड्यूल सनरूफ आती है जो कि पैनोरामिक सनरूफ है, तो ऑब्वियसली सनरूफ को कंट्रोल करने का आपको यहाँ पर बटन दे रखा है, तो सनरूफ खुल जाएगी। एंड देन आपको रियर सनलाइट भी मिलता है इस कार में, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस बटन के थ्रू यहाँ पर, जैसे कि ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी कार है, बहुत कंफर्टेबल कार है। एंड अभी भी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर मैं मिडिल सीट को नीचे लाऊँ तो मिडिल सीट के अंदर आपके पास और भी ज़्यादा बटन आ जाते हैं, सीट बॉलस्ट्रिंग की, सीट लंबा सपोर्ट की, तो आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। तो यानी कि लिटरली एक टाइप ऑफ मसाजिंग चेयर हो चुकी है ये, इतनी ज़्यादा लग्जूरियस और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट कंफर्टेबल सीट्स मैंने आज तक किसी कार में नहीं देखी। सो अ बिग थम्स अप टू दैट। तो आप अपनी मर्सिडीज एस क्लास में कभी भी अनकंफर्टेबल नहीं होने वाले। तो ये था मोहित एंड राजा कार डील्स की तरफ से एक ऑफिशियल ओवरव्यू S350 2013 मॉडल का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार लेने में इंटरेस्टेड है, या कोई भी और लग्जरी कार फॉर दैट मैटर। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।